अभी राइट 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 अरे लेफ्ट 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 अरे तुम लेफ्ट नहीं है, तुम राइट में रहो प्लीज। हां हटो हटो कहां है भैया, दिन रात तुम जो सड़क की वीडियो देख रहे हो, कौन और काम नहीं है तुमने? दिस इज पेरिस स्ट्रीट ड्राइविंग इन 4K। अरे बेबी, हम लोग पेरिस जाने वाले हैं ना दिवाली के आसपास, तो वहां पे गाड़ी चलाने का तरीका यहां से अलग होता है, तो भैया उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे आई एम कंडीशनिंग माय माइंड टू नेगोशिएट द ट्रैफिक बेटर इन परी, समझी? शुरू से शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील कहाँ होता है? आगे होता है। आगे कहाँ होता है? बगल में। राइट में होता है। लेकिन गाड़ी हम कहाँ चलाते हैं? जो वाला पता है भैया, सड़क पे। लेफ्ट लेन में चलाते हैं। अब पेरिस में गाड़ी में ड्राइविंग व्हील कहाँ होता है? पीछे। आगे ही होता है लेकिन लेफ्ट में होता है। और गाड़ी वो लोग कहाँ चलाते हैं? जो वाली सड़क पे भैया, राइट लेन में चलाते हैं। So they are a right lane left hand drive and we are a left lane right hand driving system, समझी? वो सब तो ठीक है भैया, जी बताओ क्यों थे ऑटो कैसे चलाते हैं? बाह में तो वो स्टीयरिंग व्हील वाले गोले होते नहीं होते, ऐसे दुर दुर करके चलाते हैं। फिर मैडम है, हमें बताओ क्या काम है? मैडम को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मैडम बिजी है, कल आना। कौन है बेबी? रश्मि वर्मा। हाँ, आपकी नई नेबर, हमने कल ही शिफ्ट किया। ओह ऑफ कोर्स, हाय। मैं रोहिणी, अंदर आइए ना प्लीज। हाय। मैंने एक्चुअली लिफ्ट में देखा था आपका सामान वगैरह आ रहा था, सो ऑल सेटल्ड इन? हम तो पहले से ही सेटल है, ऐसा नहीं कि कल कोई लॉटरी लगी और सेटल हो गए, हमारे सारी फैमिली सेटल है, खानदानी सेटल। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अनपैकिंग वगैरह हो गई, यहाँ घर में सब सेट हो गया। वही तो चल रही है, पता नहीं कौन सा सामान कहाँ रख दिया है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसलिए शक्कर चाहिए थी, एक्चुअली चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। अरे तो शक्कर क्यों, मैं चाय भिजवाती हूँ। बेबी एक कप चाय बनाओ इनके लिए। हाँ जी जी। एक कप से नहीं होगा, चार कप लगेगा, एक्चुअली हम लोग चार लोग हैं ना, तो ऑफ कोर्स माय बैड। बेबी चार कप बनाओ। और चाय के साथ बिस्किट्स मिल जाते तो। हाँ डोंट वरी बेबी, नमकीन मीठे दोनों टाइप के बिस्किट लो और चार कप चाय बनाना। ओके चाय ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, तो आपके पास थर्मोस तो होगा ही? हाँ हाँ, तो उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ ठंडी नहीं होनी चाहिए बेबी, थर्मस में डाल के देना। समझ गई ना? और थर्मस धो लेना अच्छे से। और कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज आप हमें बता देना, वी आर हियर टू हेल्प। आप भी, आपको भी किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो आप सबसे पहला दरवाजा मेरा ही खटखटाएगी, प्रॉमिस। ओह हाउ काइंड ऑफ यू। चलो मैं जल्दी से आपके लिए चाय भिजवाती हूँ रश्मि। थैंक यू। डोंट वरी। जी का करो जी, तुमने क्या हुआ? उनने शक्कर मांगी, तुमने चाय पकड़ा दी, वो भी बिस्कुट के साथ। अरे तो क्या हो गया, नेबर्स हैं हमारे, हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जी बात तो तुमने सही कही, पड़ोसी उनके काम आने चाहिए। अच्छा अब हमें ये बताओ कि हम चार कप चाय में कितनी शक्कर डाले हैं? 4 6 8। ये तो पूछना भूल ही गए। एक काम करो ना, तुम शक्कर अलग से दे दो। कितनी? 150 ग्राम कि 250 ग्राम? इतनी क्यों? इतनी इसलिए जिज्जी ताकि दोबारा शक्कर मांगनी नहीं है, उन्हें चाय पीनो तो खुद ही घर पे बना। बेबी तुम ना बहुत 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 चतुर है। हम तुम वो छोड़ो, जरा सी चाय क्या बनानी पड़ गई, तुम्हें आफत आ गई। जिज्जी वो बात नहीं है, हम तो ये जानना चाहते कि पड़ोसियों के साथ कितने व्यवहार रखना चाहिए। अरे जितना करो नेबर्स के लिए उतना कम है, जस्ट बी नाइस। हाउ जिज्जी ट्राई दैट चाय, इट्स नाइस। जी चक्के बताओ कैसी है? टिंडली। टिंडली कब लाई तुम? जी हम मिसेज वर्मा के घर से ले आए। तुम मिसेज वर्मा के घर टिंडली मांगने गई थी? हाँ गुड़ मांगने गए थे और टिंडली ले आई। टिंडली ने टिंडली की सब्जी ले आई जी। मतलब जे के हम उनके घर गए, उनके उधर टिंडली की सब्जी बन रही थी, हमने उनसे कही हमें टिंडली की सब्जी बहुत ही पसंद है, चकवे को दे दो। उन्हें छोटी कटोरी में दे दी, हमने कही हमारे घर में भी चार लोग हैं, डब्बा भर ले आए। बेबी ऐसे अच्छा लगता है तुम दूसरों के घर जाके ऐसे सब्जी मांग के लेके आ रही हो? इसमें क्या गलत बात है, बेबी तो अपने घर से कितने चीजें ले जाते हैं। हमारे घर से क्या क्या लेके जाते हो? हाँ भैया बे ले जाते हैं अचार, पापड़, अंडा, ब्रेड, टमाटर, नींबू। अरे ये सब तो भोला की दुकान से 5 मिनट में आ जाते ना, तो भोला का नंबर दे दो उन्हें। पैसा लगत ना भैया वहाँ में, तो हमारे भी तो लगते हैं। पर उनके तो नहीं लग रहे ना। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है हमारे घर को भोला की दुकान बना देंगे। भैया जिज्जी नहीं कही थी पड़ोसन की लाने जितने करो उतने कम है? अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि। अरे मतलब ये होता है कि वो हमारे नेबर्स हैं, इन टाइम्स ऑफ नीड और क्राइसिस वी गॉट टू बी देयर फॉर देम। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, इस तरह कल सोफा मांग लेंगे, गाड़ी मांग लेंगे, तुम्हें मांग लेंगे, दे दे। नहीं नहीं बस अब ये लेन देन का सिस्टम ना सब बंद कर दो। अभी बंद मत करो, पहले जितना गया है उतना आने दो, बैलेंस। हाँ करेक्ट, संतुलन ही जीवन है।
हाँ भैया। भाभी जी गुड मॉर्निंग। जूसर? हमारे पास है जूसर। नहीं नहीं ये आपका ही है जी। भाभी जी सुबह सुबह ना इस जूसर में गाजर का जूस पीने पे ना आंखें खुल जाती हैं। हम भी जरूर ट्राई करेंगे, शायद हमारी आंखें खुल जाएं। लाइए। नहीं 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 आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? वो विभू जी को बुलाओ ना। विभू जी? अरे विभू जी विभू जी जूसर और वो सैंडविच टोस्टर के बारे में बात हुई थी ना वो ले आओ। भाई साहब आप टोस्टर का क्या करेंगे? भाभी जी ने जो पनीर की सब्जी भेजी थी ना जी, आए हाय उसकी ग्रेवी खा खा के हमारा तो पेट भर गया। अब पनीर बच गया तो रश्मि कहने लगी कि पनीर के सैंडविच बना लेते हैं। मैंने कहा जी मैं टोस्टर ले आता हूँ जाके, अपनी तो घर वाली बात है। अरे कभी कभार तो मेरा दिल करता है ये बीच वाली दीवार ही तोड़ दूं। वर्मा जी आपको ना पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। मैं आपको कह ही रही थी कि आप जो जा रहे हो ना सैंडविच टोस्टर लाने तो मिर्च भी ले आइए। आप कल आपने जो पनीर की सब्जी भेजी थी बड़ी टेस्टी थी, थोड़ी फीकी थी और ये ना थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च। ऑफ कोर्स पनीर हमारे यहाँ से गया है तो मिर्ची भी हम ही देंगे। को? हाँ भैया। भाभी जी वो ये पनीर की सब्जी आप कब बनाओगे? अब अगले महीने। चले हाँ। अच्छा भाई साहब। अच्छा भाभी जी अजी भी बुजी हमारे घर से पनीर कब गया? गया नहीं भैया भी लेके गए, अपनी टिंडली को डब्बा लेवे आए थे, अपने थे पनीर बन रहा हो तो बोले खाली डब्बा नहीं लेके जाए पनीर डाल के दो जाने। टिंडली के बदले पनीर बताओ। और भैया सुनी तुमने दीवार गिरावे की बात कर रहे थे, हम तो दीवार उठावे की बात कर रहे थे, जो रिश्ता ना बहुत महंगा पड़े अपन को। उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? ग्रीन? नहीं, I mean, ऐसा क्या सामान है जो हमारे पास नहीं? भैया उनको तो ना वो भौं करके जो चला था ना वो है। कुत्ता? कुत्ता नहीं भैया, वो ऐसे करके सारा अपना कचरा अंदर ले ले। वैक्यूम क्लीनर? वैक्यूम। उनका वैक्यूम क्लीनर ले आओ जाओ। लेकिन भैया अपने घर में तो हम हाथ से झाड़ू पोछा करते हैं। हाथ से करो या पैर से, जब तक हमारा टोस्टर वहां रहेगा उनका वैक्यूम यहाँ रहेगा। बैलेंस। हाँ भैया। ये देखो फ्रैंकफर्ट में कितना ट्रैफिक है, 15 मिनट से लो सिग्नल पे खड़े। यार ये क्या तुम लेफ्ट राइट सारा दिन लगा के बैठे रहते हो, ये किसने टंटा शुरू किया मुझे पता चल जाए ना। नाउ दैट यू आस्क लेट मी एनलाइटन यू, ये सब शुरू हुआ मिडिवल टाइम्स में। When the knights used to ride their horses on the left side of the road, ताकि वो अपने right हाथ से सामने से आने वाले घोड़सवारों के साथ sword fight कर सकें, you know, like warriors. Very, very interesting. तो किस गधे ने इसको उल्टा किया? Americans. Now that yours. Let me tell you. Americans का फंडा ही उल्टा है. बेल बजी. जाओ जाओ दरवाजा खोलो. जाओ जाओ देखो जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ. या या go fast go fast. Hi. ऋषि भाई साहब. घर कितना चमक रहा है, दबा के वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हो? अरे जब तक दिल करे ना तब तक यूज करो, बड़ा महंगा खरीदा था मैंने। थैंक्स, ये बताने आए थे? नहीं नहीं भाई साहब, अरे बहुत ज्यादा ना एक प्रॉब्लम हो गई है, घर पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, तो वो सामान तो है मेरे पास लेकिन इतना बढ़िया वाला नहीं है, तो मैं फिर आपके पास आ गया। मेरे को लगा मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ पर उसमें फ्रॉड हो जाता है ना, तो आप कोई बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट सामान मुझे दे दो है, मैं वापस कर दूंगा। ये खुलती नहीं जी और नहीं अटक गया। अरे भाई साहब ये तो मेरे पास भी रखी हुई है, मेरे को ना कोई इम्पोर्टेड वाली चाहिए। आपके पास रखी है तो पता होगा ना कि ये आयरिश है, इट्स इम्पोर्टेड। अरे भाई साहब आप समझ नहीं रहे, कोई सिंगल है क्या? कोई सिंगल नहीं है, मैं और मेरी वाइफ तो मैरिड है ऑब्वियसली। अरे नहीं 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 वो नहीं, मैं कह रहा था कोई सिंगल 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 मॉल्ट। हाँ भाई साहब भाई सिंगल मॉल्ट, वो क्या है ना जी जो घर पे गेस्ट आए हुए हैं ना वो थोड़े फंसी हैं। भाई साहब मुझे तो यकीन था कि आपके पास तो मिलेगी मिलेगी, आपके फेस को देख के आपके टेस्ट का पता लग जाता है। मैं लगाऊं जोर? नहीं नहीं ठीक। अच्छा ये हुई ना भाई साहब बात सिंगल मॉल्ट। अब भाई साहब हमारी इज्जत बनेगी तो आपकी भी तो बनेगी ना। अच्छा ऋषि भाई साहब चलता हूँ, अब एक आधा पैग आप ही लगा लो आगे। आज नहीं, यू कैरी ऑन। थैंक यू भाई साहब थैंक यू। वो क्या कहते हैं ऐसे टाइम पे, चीरियो। एंजॉय। बैलेंस हिल गया, कितने की थी बोतल? 9000? नहीं नहीं
8:30। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो तुम बैलेंस बना लोगे। बैलेंस का पता नहीं, ड्रिंक तो बना ही लेता हूँ। बेबी मेरा वो स्टीम आयरन कहाँ चला गया, उस कमरे में रखा हुआ था। अरे चिच्ची वो तो पड़ोसी ले गए। अरे लेकिन मैं रोज यूज करती हूँ तो उनको क्यों दे दिया। अरे उनको शादी में जाने आती, उनके पास जरी वाली साड़ी आती, बोली जल जाएगी हमें दे दो। अरे यार अगर ऐसे मेरे इस्तेमाल का सामान उनके घर पड़ा रहेगा तो कैसे चलेगा। चिच्ची भैया ने तो कही थी बैलेंस बना के चलो, हम उनके होते से वो नारियल घिसने वाले लाए थे वो माँ के बदले ले गए। नारियल घिसने वाले की जगह तुमने इतना बड़ा स्टीमर उठा के दे दिया उनको। उस दिन भी वो 9,000 का वो लेकर चले गए। 9,000 का खा ले गए, जेवरात लेकर कब पहनने निकलाने। छोड़ो यार जाओ देखो कौन है, अगर वो हुए तो खोलना भी मत। जाओ खोलना भी मत अगर वो, पहले ही देख लें कौन है। अरे भैया है। I am an Egyptian pharaoh all the way from Cairo। ये क्या है, कूल है ना। हाँ बहुत कूल है। अरे जी जी तो वर्मा जी क्यों देखो है। हाँ वर्मा जी कह गया था मैं। मैंने कहा देखो भाई मेरे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स आ रहे हैं और मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने बार पे कोई सुंदर सा कूल सा आर्टिफैक्ट सजाना है और मैं ये ले आया। लुक हाउ कूल इट इज। नाइस। हाँ यू सी व्हाट आई डिड। हाँ आई प्लेड द सेम ट्रिक ऑन यू। हाँ और ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी लग रहा है यार, कितने का होगा। 20,000 का तो होगा यार, लुक एट द इंट्रिकेट वर्क। अब 20,000 का ये हमने दी 8,500 की मॉल्ट। हाँ। आ गए हम 11,500 प्लस में। यस। अब मैं कहूंगा मॉल्ट दो फेरो लो, मॉल्ट दो फेरो लो, मॉल्ट दो फेरो लो, मॉल्ट दो फेरो लो। इस पैरों तोड़ गया। अब वो लोग चले गए 11,500 प्लस में, हम लोगों को पैसा देने पड़े। को मैं ट्राई करती हूँ शायद जुड़ जाए। ओह गॉड ये तो जुड़ेगा भी नहीं यार, क्या करेंगे। एक सेकंड ये क्या है, प्राइस टैग 20 से ज्यादा है क्या। 1860 दैट्स इट। चलो अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ, अब वो ये लेने कभी आएंगे नहीं क्योंकि ये तो 1860 रुपए का है। हम देने जाएंगे नहीं क्योंकि हम तोड़ चुके हैं। गई मेरी मॉल्ट उसके पेट में। अरे यार इसीलिए कहते हैं ना कभी किसी का कुछ लो ना कभी किसी को कुछ दो। सही कह रही जीजी तुम, बड़े बुजुर्ग लोग कह गए ना उधो का लेना ना माधो का देना। लेन देन के साइड इफेक्ट्स। Hey guys, I hope आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया हो। दिस एपिसोड वॉज डन इन एसोसिएशन विद द फैरो। और हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट क्वेश्चन भी है। तो सवाल ये है कि आज के एपिसोड में किन किन चीजों का लेन देन दोनों तरफ से हुआ yes. वो बताना है और एक लकी विनर को मिलेगा SIT मर्चेंडाइज। yes. ये नहीं भेजेंगे ना। नहीं नहीं ये नहीं, मर्चेंडाइज मिलेगा। और एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। बाय बाय। नोज जॉब नाउ फेस जॉब। फेस जॉब आप चला गया इसका फेस लिफ्ट चाहिए। अरे प्राचीन को भेज दो फेस लिफ्ट।